वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा है बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत प्रभावशाली है आपको क्या लगता हाँ है? बिल्कुल, इन्फ्लुएंशियल पावरफुल है, क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्र भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। वो रिजाइन देना चाहते थे ये लेकिन सब नाटक था, ये खेल था उनका। मैंने बताया ना, कुछ उनका पेट स्टूडेंट है जो उनके लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन भी वो खुद करवाते हैं पावरफुल होने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसके पहले एक आंदोलन 1 महीना के ऊपर चला, तो वो सब एक मास्टरमाइंड उनका प्लान है। ये भी उनका एक प्लान था, ये आई वॉश और कुछ नहीं। और फिर जो है 8 घंटे के अंदर उनको नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट दिया गया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने उनको कंपलसरी लीव में जाने के लिए कहा। Then like, share and subscribe to ET Now.